हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और बाजार एक रोचक परिस्थिति में पहुंचता हुआ, और रोचक परिस्थिति ये है कि बाजार जो है अपना 52 वीक हाई टच करने की तरफ है कि एक बार हाई अपना टच कर दे, उसके बाद एक नई जो है तेजी के लिए बाजार के पार्टिसिपेंट एग्रेसिवली जो है बैट करें, और फिर बाजार उनको छकाता हुआ जो है ऑप्शंस के बाजार के हिसाब से काम करें। कल बाजार के अंदर जो कुछ गिरावट थी, अहम लेवल टूट रहे थे बैंक निफ्टी में, निफ्टी फिर भी मजबूत खड़ा हुआ था। कल बाजार स्लाइटली बैंक निफ्टी के फ्रंट पे देखे तो आज बैंक निफ्टी की स्लाइड हमने पहले लगाई हुई है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कल बढ़िया वाली रेड कैंडल बनाई थी। आज वहाँ से एक पुल बैक आया, और जो कल का हाई था, जैसे ही बाजार वहाँ पर गया वहाँ पे सेलिंग आई। तो बाजार में आप थोड़ा सा ब्रॉडली सोचने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी जिस तरीके से ऊपर गया था, आज उसी तरीके से ऊपर सेलिंग लगी हुई है। आज भी जब बाजार ऊपर गया, क्योंकि इंडेक्स के अंदर निफ्टी काफ़ी अच्छा कर रहा था, निफ्टी में जबरदस्त इंडेक्स मैनेजमेंट थी, तो आज भी जब बाजार 44 के ऊपर गया तो 44 के ऊपर जाते के साथ एक जबरदस्त तरीके की सेलिंग आज भी हमें देखने के लिए मिली। अब ये रेंज जो है बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त सप्लाई जोन है जहाँ पर बाजार काम करके आया हुआ है। निफ्टी के भी मोस्टली कंपोनेंट जो है अब लगभग रेजिस्टेंस के आसपास हैं, लेकिन निफ्टी बैंक का जो चार्ट है उसकी जो कैंडल बनी है वो थोड़ी सी मजबूत बनी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो कैंडल अब बनी है, इसके आगे की जो कैंडल्स हैं वो बैंक निफ्टी की इन कैंडल्स के साथ बनेंगी। जैसे इस ये कैंडल आप मान लीजिएगा जो आज की निफ्टी की कैंडल है, और उसके बाद आपने देखा कि बैंक निफ्टी गैप अप भी हुआ, एक दो ग्रीन कैंडल ही बनी, फिर एक कंसोलिडेशन जोन में रहा, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने वीकनेस दिखा दी। हालांकि आज एक पुल बैक था, क्योंकि लगातार ये जो कैंडल्स बन रही थी तो एक रिलीफ रैली थी बैंक निफ्टी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसके दम पर ये होगा कि आपको निफ्टी का हाई जो है सोमवार को शायद मिल जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये वाली कैंडल, जिस ये जो कैंडल है निफ्टी बैंक की, मैं इस कैंडल को आज की इस कैंडल के सिमिलर मान रहा हूँ। ये भी ग्रीन कैंडल थी, तो हो सकता है कि आज जिस तरीके के ऑप्शन चेन के डेटा है इस तरीके का एक गैप अप मिल जाए, फिर एक या दो दिन बाजार यहाँ पे ऊपर आपको 19,000 के लेवल के लिए जो है लोग सब तैयार हो जाएंगे, और फिर इंडेक्स के लेवल पर भी एक वीकनेस आने वाले समय में आपको दिखेगी। तो ये फिर यहाँ पर निफ्टी बैंक भी कमज़ोर हो चुका होगा, निफ्टी भी कमज़ोर हो चुका होगा, और फिर हमें देखना है कि दो दिन निफ्टी हो सकता है कि अभी संभाल ले इस तेजी को, और उसके बाद जो इस एक्सपायरी में बाकी के 6 या 7 दिन बचेंगे, फिर वहाँ पर बढ़िया वाला घमासान होने की उम्मीद है। क्योंकि जिस तरीके के प्रॉफिट पे बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, उन्होंने स्मार्टली चीज़ें ऑफलोड की हुई हैं। IT एक ऐसा सेक्टर है जो काम करके ही नहीं दे रहा। TCS विप्रो दोनों कमजोरी में थे, बजाज ऑटो भी आज कमज़ोर था, टेक महिंद्रा और अपोलो हॉस्पिटल आज तेजी वहाँ पे थी जहाँ कल भयंकर मंदी थी, यानी कि फाइनेंशियल्स, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC, बजाज फिनसर और बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो भी अच्छा कर रही थी, और रिलायंस। तो इंडेक्स को कहाँ से आज मैनेज किया गया, जो कल का ओवरसोल्ड सेक्टर था, क्योंकि ऊपर से जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। बट मुझे लगता है कि बैंक की जो स्ट्रीम है वो लगभग ख़त्म हो गई है, और मैं अभी भी ये मान रहा हूँ कि इस महीने में 42,500 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है। जिस तरीके से कल का फॉल था, तो मोस्टली ट्रेडर्स ने क्या किया, मंदी की बना ली होगी, उनको आज देखिएगा स्टॉप लॉस के माध्यम से काट दिया। क्योंकि बाजार जब मंदी करेगा ना, तो बाजार किसी और को मंदी नहीं करने देता, यानी कि कहने का मतलब है बाजार के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मेजोरिटी को जो है रिवर्स साइड में रखते हैं, यानी कि उल्टी साइड में रखते हैं पोजिशन में। तो आज देखिएगा कल बाजार गिरा, 640 का लेवल भी टूटा, एकदम फॉल हो गया। हमने बात की थी 400 की एक्सपोर्ट के आसपास बाजार बंद हुआ है,
अगर 400 के नीचे अगर गैप डाउन में तोड़ देता है तो फिर एकदम फॉल हो जाएगा, फिर बाजार 43 और 42,800 की तरफ भी चला जाएगा, लेकिन बाजार वहाँ गया ही नहीं। और ये कहा था कि ये स्पोर्ट के आसपास है, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस ले सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बाजारों के अंदर जिस तरीके की चर्चा हो रही है कि अब ये टारगेट और वो टारगेट और इतना टारगेट वो टारगेट, ये जो यूफोरिया तैयार होता है ना, ये बाजार के लिए ना सबसे बड़ा खतरा होता है। तो स्मार्ट प्लेयर क्या कर रहे हैं, ये चर्चा जो है मैं आपके साथ वीडियो में करता रहता हूँ, तो आज भी करेंगे चर्चा। तो जो हमारे अल्फा मेंबर्स हैं उनके साथ आज एक चर्चा करेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिकली इस वीडियो के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, तकरीबन एक घंटे के बाद वो शायद वीडियो आपके साथ शेयर हो। तो यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप देखें तो बाद चांद पे थे, लेकिन चांद फिर भी देखिएगा ढलता रहा इतनी तेज़ी के बावजूद भी, और गिरने वाले बढ़ते रहे। ये जो है एक इंडेक्स मैनेजमेंट का जो है तरीका है। अब मान लीजिएगा कुछ चीज़ें, मान लीजिएगा मार्क्स एंड फार्मा ही हमारा 91-92 था पे गया था, अब वहाँ से वो देखिएगा 89-90 के आसपास है, और कल परसों तो 86 पे भी चला गया था, तो वहीं जूझ रहा है। मतलब अब इंडेक्स के कुछ नहीं, तो शेयर स्पेसिफिकली कुछ शेयर्स ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो नीचे आ जाते हैं, अगले दिन स्मॉल कैप मिड कैप के 10 अलग शेयर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी हो रही है, हो सकता है 2-3 दिन में जो बाकी बचे हुए शेयर्स हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो मंगलवार के बाद हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो इस महीने के एंड की एक्सपायरी वाले जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने मंदी बना रखी है, वो 5-7 दिन के लिए एग्रेसिव हो सकते हैं। और हमें ये लगता है कि बाजार एक ओवरबोट जोन में है अगर हम इंडेक्स लेवल पर बात करें। हालांकि बैंक निफ्टी अभी एक ओवरबोट था, फिर थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड हो गया था, अभी एक न्यूट्रलाइज है, लेकिन यहाँ पर भी हमें लगता है कि 4-5% का बैंक निफ्टी में फॉल अभी भी ड्यू है। जहाँ पर तेजी थी आज HDFC लाइफ, SBI लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फिनसर्व, टाइटन, UPL, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, ये शेयर्स थे। और कमजोरी कहाँ पे थी, विप्रो, बजाज ऑटो, TCS, भारत पेट्रोलियम, ONGC जैसे शेयर्स में। निफ्टी बैंक 43938 पे, यानी कि कल का जो फॉल था उस फॉल से ज़्यादा चला है आज, सॉरी उस फॉल से कम है। कल 550 के आसपास का फॉल था तो उसको भी रिकवर नहीं कर पाया। और फिर देखिएगा बैंक निफ्टी आज पूरे दिन अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बाद में एक स्पेकुलेटिव मूव आता है, और उस स्पेकुलेटिव मूव में भी क्या होता है, ऊपरी लेवल पर बैंक निफ्टी नहीं टिक पाता, वहाँ से एक सेलिंग आती है। तो अब बैंक निफ्टी में अब हमें लगता है कि ऊपरी लेवल पर एक अच्छी सेलिंग आप एंटिसिपेट करेंगे, और अब की बार अगर 640 टूटता है तो हमें ये चांसेस है कि 400 पे थोड़ा सा बाजार काम करे, और 400 पे टूटने के बाद जब अब केयर बाजार टूटेगा तो फिर वहाँ से 800-900 पॉइंट टूट सकता है, और जो अगले लेवल आएंगे 42-500। और वैल्यूशंस बहुत स्ट्रेच हो रही हैं स्मॉल मीडियम कैप के अंदर, और हम रिजल्ट को भी देख रहे थे, उन रिजल्ट्स के सामने जिन कंपनीज के ख़राब रिजल्ट है वहाँ पर भी हमने देखा कि अभी जो मूव है वो स्पेकुलेटिव मूव है, और जो कैचअप रैली है वो बाकी स्मॉल मिड कैप के जो शेयर्स बचे हुए हैं उनमें आ जाएगी। मान लीजिएगा आपके पोर्टफोलियो का कोई शेयर नहीं चला है तो अभी 2 दिन इंतजार करिए, वो शेयर्स भी आपको चलते हुए नज़र आने चाहिए, और जब वो भी चल जाएंगे तो फिर एक पीक बनेगा, और फिर मुझे लगता है कि एक अच्छी सेलिंग आपको ब्रॉडर मार्केट में भी देखने के लिए मिलेगी, इंडेक्स के साथ साथ अब जो बाकी स्मॉल कैप मिड कैप पे भी हो सकती है। अब बात करें कंट्रीब्यूटर्स की, तो आज तो सारे कंट्रीब्यूटर प्लस में थे, और HDFC बैंक ने 160 रनों की पारी खेली। और इसके बाद अगर हम बात करें FIs की डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, 794 करोड़ की कैश में बाइंग, 1181 इंडेक्स में बाइंग, 2000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स बाइंग, और सेलिंग जो है वो ना के बराबर है, वो इंडेक्स ऑप्शंस में तो उससे कोई लेना देना नहीं होता ज़्यादा, और 681 करोड़ की DIs की बाइंग। लेकिन इतनी बाइंग होने के बावजूद भी बाजार ऊपर लेवल पर सेलिंग की हो रही थी, तो अभी जो HNI इन्वेस्टर्स हैं वो ऊपर के लेवल पर एग्रेसिवली जो है माल ऑफलोड करने के लिए तैयार हो सकते हैं, जैसा कि लग भी रहा था। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कल पुट कॉल रेशियो देखिएगा 1.1 के ऊपर चल रही थी, आज वो गिर गई, यानी कि बाजार ऊपर चला लेकिन फिर भी पुट कॉल रेशियो ज़्यादा अपने आप को नहीं संभाल पाई। इसी तरीके से बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.5348 पे, तो यहाँ पर एक फियर जो है साफ साफ देखा जा सकता है कि बाजार जब ऊपर से नीचे गिरा तो जो पुट राइटर हैं वो नदारद हो गए, और देखिएगा पुट राइटर जो बड़े थे जब बाजार ऊपर गए तो गिरते के साथ वो पुट राइटर भी गायब हो गए, उन्होंने पोजीशन अपनी अनवाइंड कर ली।
तो इसका मतलब है पुट राइटिंग है नहीं, और पुट राइटिंग नहीं है इसका मतलब दो होते हैं, एक तो कि भाई ये है कि प्रीमियम नहीं है इसलिए नहीं है, दूसरा इसलिए कि भाई बाजार में जो पुट राइटर वो डरे हुए हैं कि कभी भी एक बड़ा फॉल हो सकता है, तो उसके एंटिसिपेशन में पुट राइटिंग नहीं है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट काम कर रहा है, ब्रेंट क्रूड 76 पे, ऑप्शन चेन के अंदर 18,800 पे भाई सब बेस बनाने की कोशिश कर दी ऑप्शन चेन के राइटर्स ने, और पुट राइटिंग हुई है जबरदस्त। 18,800 अब एक बेस बन गया, अब 18,800 जैसे ही टूटेगा तो सीवियर सेलिंग आ जाएगी, 18,800 के ऊपर जब तक बने रहेगा बाजार अपने मोमेंटम को कायम रखेगा। निफ्टी बैंक में 44,000 पे जहाँ पे बाजार गया था आज, वहाँ पर देखिए 1,51,000 कॉन्टैक्ट है, और कॉल साइड में पुट साइड में 1,07,000, तो अभी भी कॉल राइटर एग्रेसिव है 44 पे, लेकिन अभी डेटा जो है एक्सपायरी का नहीं है तो उससे पहले का है, तो कुल मिला के एक न्यूट्रल डाटा है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी का स्ट्रॉन्ग डेटा है। अभी हम देखते हैं कि सोमवार मंगल और बुध तक चलता है, और उसके बाद 4 या 5 दिन देखिएगा पूरे महीने की जो पोजिशन है, पिछले महीने की पोजिशन भी इस बार डी हुए, तो वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके का आउटलुक आता है। तो सोमवार के दिन काफ़ी क्रूशल है, और बाजार ऊपरी लेवल पर देखिएगा एक ही प्रिंसिपल है हमारा कि भाई ऊपर जाए ना भैया हाथ हल्का कर लो, तो जब सारा बाजार चिल्ला रहा है ना कि इसका ये टारगेट होगा, इसका वो टारगेट होगा, इसका वो टारगेट होगा, हम थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं, और जब बाजार घबराहट दिखा रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं पोर्टफोलियो वाइज कि भाई शेयर्स लिए जाए। और इंडेक्स में हालांकि हम देखिएगा जनरली हमारी जो है कॉन्ट्राव्यू रहती है, लेकिन पोर्टफोलियो में हमें लगता है कि जब भी मंदा मिले तो वो खरीदने का समय होता है, इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए कि भाई आउटलुक क्या है। जैसे मुझे लगता है कि अभी सारी जगह ना एक ही चर्चा हो रही है, आईटी खराब, आईटी में खराब रिजल्ट आएंगे, आईटी में खराब रिजल्ट आएंगे, हो सकता है कि खराब आए भी, लेकिन उस खराब होने के बाद भाई कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू भी तो है। मुझे नहीं लगता कि अगर 3,000 रुपये का किसी को TCS मिलता है तो उसमें कोई खराबी है, तो 3,150 के आसपास तो शायद ट्रेड ही कर रहा था, और जो है इसी तरीके से इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, SCL टेक हुआ, बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये ऐसी कंट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पर रिसेशन आएगी, उसके बाद इनको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मेरा जो है व्यू जो है जनरली बॉटम फिशिंग का होता है, तो हम वेट कर रहे हैं कि अभी इस पर 3,000 के आसपास के लेवल जो है TCS में आए या 3,000 के लेवल टूटे, तो वहाँ पर एक जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हम ऑप्शंस के माध्यम से करेंगे या कैश, देखिएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, बट हमें लगता है कि 3,000 अगर टूटता है तो टेक्निकली देखिएगा TCS कमज़ोर होगा, लेकिन हम टेक्निकलिटी को एक बार के लिए भूल जाएं, और अगर हम 1.5-2 साल का होरिजन लेके चलें तो TCS जो है वहाँ पर एक वैल्यू बाय की जो है स्थिति में आ जाएगा। हालांकि अभी देखिएगा IT पैक पर सारी दुनिया जो है कमज़ोर है, मतलब इंडिया के अंदर, तो और वहीं पर जिन कंपनीज़ की विजिबिलिटी है उन कंपनीज़ में देखिएगा वैल्यूशन अभी भी IT में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी IT को, लेकिन जो लार्ज कैप IT है उसको बाजार अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।